नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। परिवहन निगम कर्मचारी संघर्ष मोर्चा आजमगढ़ के क्षेत्रीय संयोजक त्रिभुवन नारायण सिंह एवं सह संयोजक उमेश चंद्र गौतम की देखरेख में कर्मचारियों की समस्याओं के निदान करने हेतु संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने व परिवहन निगम में मृतक आश्रित के परिजनों को तत्काल नियमित नियुक्ति की जाए, इन सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इनकी मुख्य मांगे राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों को परमिट देकर संचालित करने की अधिसूचना को तत्काल निरस्त किया जाए व डग्गा मार वाहनों को बंद कराया जाए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को पूर्व की भांति राज्य की रोडवेज घोषित किया जाए व सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि से मुक्त कर शासनादेश सीधे परिवहन निगम में लागू किया जाए। इस मौके पर परिवहन निगम के कर्मचारी व संगठन के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। आगे क्या कुछ कहा क्षेत्रीय संयोजक त्रिभुवन नारायण सिंह ने, देखे इस खास रिपोर्ट में। आज हमारा मांग जो है, हमारे कर्मचारी जो है 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को जनहित से जुड़ी ही जो भी समस्याएं हैं वो दिन रात जो है जुट करके अपनी सेवा देते हैं। चाहे इनका नेपाल की आपदा हो, चाहे प्रयाग मेला का जो है, इनका कुंभ मेला का जो है, आज कर्मचारियों की बदौलत इनको जो है आज ग्रीन बुक में जो है उत्तर प्रदेश का नाम हुआ। आज चाहे कश्मीर का चुनाव हो, चाहे तत्काल में जो है COVID-19 जो है चला था, आज बतलाना यह चाहता हूँ कि हमारे कर्मचारी जो है मरने तक ले जो है यह प्रहार यह नहीं समझे कि मैं मरूंगा, अपनी ड्यूटी जो है 24 घंटा जो है जुट करके जनता की जन की सेवा का किया है कार्य। आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2 बार जो है हमारे संगठन से वार्ता हुई कि रोडवेज का निजीकरण जो है, आज हमारा परिवहन निगम घाटे में नहीं है, फिर भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार किस नियत से, किस सिद्धांत से, किस व्यवस्था से जो है निजीकरण करने की आमादा है। आज हमारे लखनऊ और गोरखपुर मार्ग पर जो है प्राइवेट के हाथों से बेचा जा रहा है। आज संघर्ष मोर्चा जो है बाध होकर के आंदोलन पर जो है कर्मचारियों की समस्या को और रोडवेज के अस्तित्व बचाने के लिए जो है 10 सूत्री मांग पत्र जो है जिला अधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से दिया जाएगा कि समस्या जो है गंभीरता से लेकर के इसके निराकरण कराने का कष्ट करें। मांगे पूरी नहीं होती, आगे अभी क्या रणनीति? यदि हमारी यह मांग पूरी नहीं होती है, न कोई समझौता बात पुनः वार्ता की जाती है, तो प्रदेश कार्यकारिणी जो है जैसा आंदोलन के लिए, चाहे चक्का जाम का आंदोलन हो, चाहे जिस प्रकार का आंदोलन हो, आजमगढ़ क्षेत्र जो है आंदोलन। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।